सो गाइज ऑलरेडी मैं 5 टीम्स के रिटेन प्लेयर्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स एंड पंजाब किंग्स। इस वीडियो में मैं आपको कोलकाता नाइट राइडर्स के रिटेन प्लेयर्स के नाम बताऊंगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए। गाइज आईपीएल के वक्त मैंने एमपीएल पर 20 से भी ज्यादा टीम बनाया और पूरे 1,00,000 जीते, इसलिए इस बार मैं T20 वर्ल्ड कप में भी सिर्फ एमपीएल पर ही टीम बनाने वाला हूं। 20 से ज्यादा टीम बनाऊंगा और लाखों में कमाऊंगा। मैंने ऑलरेडी 19 टीम बना दी है, 20वीं टीम में अभी बना के आपको अपने स्क्रीन पे शो कर दूंगा। गाइस एमपीएल पर वर्ल्ड कप में इंडिया के मैचेस वाले दिन आप 2 करोड़ डेली जीत सकते हो और आप 1000 रुपीज तक का कैशबैक भी पा सकते हो विद मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 35 रुपीज। तो देर मत करो, फटाफट एमपीएल ऐप डाउनलोड करो। और हाँ, आप एमपीएल पे फ्री में खेल के लाखों जीत सकते हो। ये लोग जैसे विनर्स लिस्ट में आए हैं, आप भी आ सकते हो टीम बना के। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एमपीएल डाउनलोड करो और पैसे कमाओ। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले वापस से आप सभी को वही बात बताना चाहूंगा, देखो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है बट स्टिल मेरे को बताना है, बिकॉज बहुत लोग फिर कमेंट करेंगे कि अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, बिकॉज मैंने कह दिया कि मेरे हिसाब से KKR 4 प्लस को रिटेन नहीं करेगा। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि KKR 4 प्लस को डेफिनेटली रिटेन नहीं करेगा, बट स्टिल हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि KKR 4 प्लेयर को रिटेन करेगा। सबसे पहला नाम यहाँ पे आता है कोलकाता की रिटेंशन में, पैट कमिंस का। बहुत ज़्यादा शॉकिंग नाम है आप सभी के लिए, आई नो बहुत लोगों के लिए, बट स्टिल ये टॉप क्लास बॉलर है। एंड अगर आप इनको रिलीज करके ऑक्शन में भेजते हो एंड वापस से खरीदने का ट्राई भी करते हो ना, तो ये आपको 14-15 करोड़ से नीचे नहीं मिलने वाले हैं, बिकॉज टॉप क्लास बॉलर है। मुझे नहीं लगता है KKR में ऐसा कोई प्लेयर है अभी फिलहाल जिसको आप रिलीज कर दो और वो 14-15 करोड़ में बिकेगा। पैट कमिंस के अलावा आंद्रे रसल भी है लेकिन वो फॉर्म में नहीं है 2 सालों से। अब 2 साल से अगर किसी प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो तो उसके बारे में क्या ही कहना। तो पैट कमिंस अनडाउटेडली KKR उनको रिटेन करेगा। आगे चले तो दूसरा नाम यहाँ पे शुभमन गिल का नाम आता है निकल के। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लगता है कि इनको भी कोलकाता नाइट राइडर्स रिटेन करेगा। एक्चुअली पैट कमिंस से भी ज़्यादा इनके चांसेस है मैं कहना चाहूँगा। वैसे 14 करोड़ डिजर्व नहीं करते हैं बिकॉज ऐसा कुछ खास भी इन्होंने नहीं किया है। एंड ऑक्शन में जाएंगे तो 14 करोड़ तो इन पे लगेगा नहीं, आई एम श्योर 10 करोड़ मैक्सिमम लगेगा, बट स्टिल ऑर्डर में हमने रखा है नंबर 2 पे। आगे चले तो कोलकाता नाइट राइडर्स के तीसरे रिटेंशन होंगे आप पे वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने फेज 2 में अच्छा किया है, जैसा फेज 2 में परफॉर्म किया था, ये एक बहुत बड़े रीज़न थे कि KKR इस सीज़न का रनर्स अप बना। अनडाउटेडली इनको भी रिटेन करेगा। आगे चले तो आखिरी रिटेंशन होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के आंद्रे रसल। बहुत लोग सोचेंगे मैंने इनको आखिरी में क्यों रखा है, तो यार 2 साल से अच्छा नहीं किया है आंद्रे रसल ने, उससे पहले ज़रूर अच्छा किया था बट अभी अच्छा नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या कहूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इनके बारे में। मैं चाहता नहीं हूँ रिटेन करें बट स्टिल KKR को इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है ऐसा मुझे लगता है, तो कोलकाता इनको करेगा बट स्टिल मुझे नहीं लगता है। बट अगर कोलकाता 4 प्लस को करता है तो ये या फिर सुनील नारायण में से किसी एक को करेगा, बट मैं अभी फिलहाल आंद्रे रसल के साथ जाना चाहूँगा। तो गाइज ये वो 4 प्लस है जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स IPL 2022 में रिटेन करेगा। आप मुझे कॉमेंट्स में लिखकर बता सकते हो आपका इसके बारे में क्या कहना है। और अभी के लिए छोड़ो बस इतना ही, तो अभी के लिए बस इतना उड़ाए आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अच्छा कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसा लगा आपको। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।